हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन में ये दूसरी बल्कि तीसरी वीडियो है और इस वीडियो के बारे में ये है कि हम परचेज वाउचर में क्यों नहीं जीएसटी कैलकुलेट होता है, जीएसटी कैलकुलेशन से संबंधित बातें कर रहे हैं हम। तो बार बार यही कंप्लेंट देखने को मिलती है कि मेरा जीएसटी नहीं आ रहा है। कई बार तो मैंने टीम व्यूअर या एनीडेस्क पे लेके बहुत लोगों का सही भी किया है ये प्रॉब्लम, तो आपको ये दिक्कत ना आए इसका पूरा सलूशन आपको दे रहा हूं। जैसा पिछला वीडियो आपने देखा तो सेल्स वाउचर में कैसे जो है जीएसटी नहीं कैलकुलेट होता है, तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए वो सारी बातें मैंने बताई हैं आपको। और इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि परचेज वाउचर में ना कैलकुलेट हो तो क्या करें। तो परचेज वाउचर में जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आप वी प्रेस कर दीजिए, वी यानी वी वायलिन वाला वी। तो वी प्रेस कर देंगे तो परचेज वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। परचेज वाउचर में जाने के लिए आपको F9 प्रेस करना होगा वी प्रेस करने के बाद, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी परचेज वाउचर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल करके यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, तो मैं 1 अक्टूबर ही रहने देने वाला हूं। एंटर प्रेस करता हूं, यहाँ पर बहुत सारी क्रेडिटर पार्टियां आपको दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तमाम क्रेडिटर पार्टियां हैं। मैं एक क्रेडिटर पार्टी उठा लेता हूं इसमें से, ये उर्मिला सी, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने इसे बनाया था। ये सारी डिटेल फिल करके इसे एक्सेप्ट कराइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर। अगर हम सेल्स वाउचर में होते तो यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर आता, परचेज अकाउंट का लेजर लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या क्या परचेज करना है वो देख लीजिए, ठीक है। हमारे पास जो चीजें नहीं होंगी उनको हम परचेज करने की कोशिश करेंगे। लाइक यहाँ पे आता हूं तो शुगर हमारे पास केवल 10 किलो है, तो हम 100 किलो शुगर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 किलो शुगर मैं परचेज कर रहा हूँ 42 रुपए के रेट से, ठीक है। और इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर राइस अगर होगा तो राइस भी परचेज कर लेते हैं, 50 किलो राइस परचेज कर रहे हैं, तो ये 50 रुपए के हिसाब से 50 किलो राइस भी परचेज कर लिया हमने और 42 रुपए के हिसाब से शुगर परचेज किया है। लेकिन अभी हमने इसमें जीएसटी नहीं लगाया है, तो जीएसटी लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पे सीजीएसटी लगा दीजिए आप। तो जैसे ही सीजीएसटी लगाया तो मेरा तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन आपके में हो सकता है ना कैलकुलेट होकर आए, ठीक है। सेम स्टेट का मामला, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज करूंगा। अब आपका कैलकुलेट क्यों नहीं होगा जीएसटी वो बताता हूं। सबसे पहले तो हम परचेज लेजर देखेंगे, उसे अल्टरेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए परचेज जीएसटी आपने ऑन किया है कि नहीं वो यहां से देख लीजिए, F11 की प्रेस कर लीजिए, यहां पर जीएसटी है, इसे वाई प्रेस कर दीजिएगा। अगर ऑन नहीं किया तो यहां से वाई प्रेस कीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है। जीएसटी आप रेगुलर फाइल करते हैं या कंपोजिशन स्कीम में, तो जो आपका होगा वो देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी लागू हो रहा है हमारा, ठीक है। और जीएसटी आईएन नंबर यहां पे आपको डालना है, टैली इसको वेरीफाई करेगा। मंथली जीएसटी फाइल पर करेंगे हम और यहां पर जीएसटी के डिटेल को अल्टर कर लेंगे। तो यहां पर आपको टैक्सेबल ही रखना है और यहां पर बाय डिफॉल्ट 18% लगा है, मैं 21% कर देता हूं, तो ये कर दिया हमने 21%, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, तो ये एक्सेप्ट करा लिया, तो इस तरीके से जीएसटी ऑन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, वापिस आ जाते हैं परचेज वाउचर में, ठीक है। परचेज वाउचर में आ गए, लेकिन हमें बात करना है परचेज के लेजर के लिए। तो अल्टर पे चलते हैं और यहां से लेजर पे आ जाते हैं, तो हमें परचेज का लेजर देखना है। तो ये आ गए परचेज के लेजर पे, तो परचेज अकाउंट का लेजर आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप का सही सिलेक्शन जरूर कीजिएगा, इसे परचेज अकाउंट के ग्रुप में डालिएगा, इधर उधर कर देंगे तो नहीं कैलकुलेट होगा। अब यहां पर आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर इज जीएसटी एप्लीकेबल पूछ रहा है। तो कभी कभी हम पढ़ाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, जैसे हम करते हैं जल्दी जल्दी, वैसे स्टूडेंट भी हमारे हैं ना, तो भी जल्दी जल्दी खटखट 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 काम करते हैं सब, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे नो कर देते हैं सब, तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी रख देंगे, और यहाँ गुड्स रख देंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी रख देंगे, ओके, और यहाँ पे इस तरीके से ये कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं एंट्री पास करते, देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आए और यहाँ पे 1 अक्टूबर को ही मान लीजिए, और वही पार्टी लेता हूँ सेम फॉर्मूला सी, ठीक है, ये मैंने बनाया था। तो यहाँ पे ये ले लिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करके यहाँ पे आ गए। और अब यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे ले लेता हूँ ये टैली प्राइम की बुक है, तो इसी को ले लेते हैं। और एमआरपी इस पे एक्टिवेट कर रखा है मैंने, तो 20 बुक परचेस कर लेते हैं, 670 रुपए की एक बुक पड़ रही है। एंटर प्रेस करके यहाँ आएंगे, यहाँ पे हम जीएसटी लगाएंगे, तो यहाँ पे सीजीएसटी लगाया हमने, तो यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे एसजीएसटी लगाते हैं, देखते हैं कैलकुलेट होता है या नहीं, तो ये एसजीएसटी भी नहीं कैलकुलेट हुआ। तब कहेंगे कि सर जी हमारा तो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है, तो गलती आपने कर दिया तो कहां से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे अल्टर पे चलिए
और अल्टर पे जाके लेजर पे जाइए और लेजर पे जाने के बाद परचेज अकाउंट का लेजर ओपन कर लीजिए। यहां से परचेज अकाउंट का लेजर ओपन हो गया, एंटर प्रेस किया, यहां पे आ जाइए, इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहां पे एप्लीकेबल रखना है आपको, ठीक है, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। और यहां पर बाहर आने के बाद अब एंट्री पास करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां पे आए 1 अक्टूबर के ही डेट में, और उर्मिला सी ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, तो ये क्रेडिटर पार्टी का नाम हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया, यहां पर आ गए, यहां पर आए, फिर परचेज अकाउंट का लेजर आ गया। अब यहां पर कुछ भी एक ले लीजिए, लाइक मैं ले लेता हूं पल्स, तो 88 किलो है और हम 12 किलो और परचेज कर लेते हैं, 100 किलो हो जाएगा हमारे पास, तो ये 900 का हमने पल्स खरीद लिया। राइस खरीद लेते हैं अब, तो 100 किलो राइस भी खरीद लेते हैं, तो ये 100 किलो राइस हो गया 50 रुपए के हिसाब से, और ये हमने कर लिया। अब यहां पे जीएसटी तो लगाए नहीं, तो यहां पे जीएसटी लगा लेते हैं, तो ये आ गए हम सीजीएसटी पे, तो ये सीजीएसटी आ गया 621 रुपए, गलती कहां हो रही थी पता चला, यहां पे आए अब एसजीएसटी कर लेते हैं, तो ये एसजीएसटी भी आ गया, दोनों आ गया, क्लियर है। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब देखना होगा तो कहां जाएंगे, दो बार डी प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पर आकर के, यहां पर आएंगे, अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, प्रिंट वो निकाल के दे देंगे, यहां से प्रिंट निकालिए, आई बटन प्रेस करना होगा प्रिंट निकालने के लिए आपको, तो यहां से आई बटन प्रेस कर दीजिए, प्रीव्यू देख लेंगे आप। आई बटन प्रेस करने से ये फायदा होगा कि आप प्रीव्यू देख पाएंगे, तो ये देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन हमने चालू कर रखे हैं, लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहां दिया हुआ है, फिर क्वांटिटी है, फिर रेट है, फिर पर है, फिर अमाउंट है, फिर टैक्सेबल वैल्यू है, फिर सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स है, ठीक है, दोनों का अलग अलग यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, अमाउंट भी आ रहा है कि कितना स्टेट टैक्स कटा, कितना सेंट्रल टैक्स कटा और कितना टोटल हुआ, सब चीज दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ नीचे भी बना हुआ है सब कुछ, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हमारा आ जाएगा। तो ये गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपका जीएसटी जो है परचेज में नहीं कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं आप, दूसरी गलती ये करते हैं कि जब कभी आप दूसरे स्टेट की बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि आपका व्यापार जो है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आप माल बेच रहे हैं कहां पे, आप माल बेच रहे हैं, जो क्रेडिटर पार्टी है वो कहां की है, वो मध्य प्रदेश की है या राजस्थान की है, ठीक है, यानी अलग स्टेट की है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन की एंट्री दिखाता हूं आपको। तो यहां से बी प्रेस कर लिया, परचेज वाउचर में आ गए, ठीक है। अब एक नई क्रेडिटर पार्टी बनानी होगी, डेट चेंज कर लेते हैं, डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करते हैं और यहां 11 कर देते हैं, यानी नवंबर की बात कर रहे हैं हम, यहां 2020 हो गया, तो 1/11/2020 यहां पर भी डाल देते हैं, हालांकि डेट तो चेंज हो ही गया है। अब यहां पर नया क्रेडिटर पार्टी बनाते हैं, ठीक है, तो यहां नया क्रेडिटर पार्टी का नाम डाल देता हूं मैं, त्रिभुवन सिंह, ये नई क्रेडिटर पार्टी हमारी सी लिख देता हूं, आपको मालूम होता रहेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी ही है, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, तो ग्रुप बहुत ध्यान से, ठीक है, तो यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर आप चूज कर लीजिए, मेंटेन बिल बाय बिल इसको यस रख करके, और यहां पर आ जाइए और बस आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अगर सारी डिटेल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, पैन नंबर वगैरह जो कुछ भी है, और यहां पर जीएसटीआई नंबर भी डाल सकते हैं। तब चूंकि परचेज अकाउंट है तो परचेज का लेजर आ गया। अब यहां पर बात करते हैं, लाइक जो भी आपको परचेस करना हो यहां पे आप परचेस कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे पल्स की बात कर लेते हैं, तो 50 किलो पल्स या 40 किलो पल्स परचेस करते हैं, 75 रुपए के भाव से हम परचेस कर रहे हैं। जैसे ही नीचे आएंगे तो नीचे आने पर क्या होगा, यहां पे जीएसटी लगाना है, ठीक है, तो जीएसटी यहां पर लगा लेते हैं, तो सी जीएसटी लगाया, यहां 315 रुपए आ गया। लेकिन अगर यही जो त्रिभुवन सी पार्टी है जो हमने अभी बनाया, ये अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करती तो क्या होता, वो दिखा देता हूं, ठीक है। आपका व्यवसाय उत्तर प्रदेश से है क्योंकि आपने कंपनी बनाया, देखिए F3 प्रेस करके आपको दिखा देता हूं, पूरा कंपनी अल्टर कर देता हूं, ये देखिए कंपनी बनाते समय आपने स्टेट क्या चूज किया है, उत्तर प्रदेश चूज किया है। अगर यही आप मध्य प्रदेश कर देंगे तो आप मध्य प्रदेश से काम कर रहे हैं और फिर आप उत्तर प्रदेश को माल जब बेचेंगे तो उस कंडीशन में जो आपकी पार्टी होगी जहां से वो बिलोंग करेगी तो उस हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। अब जैसे इसी को मैं अल्टर कर लेता हूं, जो ये पार्टी हमने बनाई है त्रिभुवन, तो इसको मैं अल्टर करता हूं, तो यहां टी प्रेस किया, अब देखिए नीचे यहां पे आ रहा है त्रिभुवन सिंह सी, तो इसको अब अल्टर करूंगा। अल्टर करते समय क्या करूंगा, इसका स्टेट चेंज कर दूंगा, यहां से कर देता हूं राजस्थान, तो ये देखिए राजस्थान आ गया है, ठीक है। अब पिन कोड वगैरह डालते रहिएगा, एंटर प्रेस करता हूं, एक्सेप्ट कराता हूं इसको, ठीक है। अब इसकी एंट्री पास करके दिखाता हूं, अब देखिए यहां पे आए 1 नवंबर, चलिए 1 नवंबर को ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो क्रेडिटर पार्टी हमारी त्रिभुवन सी, तो ये ले लिया हमने त्रिभुवन सी, यहां पे एंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट लिमिट वगैरह अभी कुछ देना नहीं है,
यहां पे परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और यहां पर हम पल्स ले लेते हैं, लाइक ये रहा पल्स, ठीक है। तो 50 किलो दाल हम परचेज कर रहे हैं 75 रुपए के भाव से। अब यहां पर हम सीजीएसटी लगाते हैं, तो देखिए यहां पर सीजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा और आप कंप्लेन करेंगे कि सीजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो बहुत ध्यान से कि अलग स्टेट होगा तो सीजीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपको आईजीएसटी डालना पड़ेगा, तो आईजीएसटी बनाना भी पड़ेगा, हमने बना रखा है पहले से, ठीक है। आईजीएसटी कर दिया हमने, तो देखिए आईजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया। अब आईजीएसटी लगाया तो आईजीएसटी के साथ कोई और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं आपको, जैसे सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगाते हैं। तो जब सेम स्टेट का मामला होता है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाना पड़ता है, लेकिन जब आईजीएसटी लगाएंगे तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए और यहां से प्रिंट देख सकते हैं। दो बार डी प्रेस करता हूं, ये प्रिंट दिखा देता हूं, ये प्रिंट आएगा। यहां से एंटर प्रेस करता हूं और यहां से आई बटन प्रेस करके दिखा देता हूं कि ये प्रिंट आपका आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पूरी डिटेल यहां पर आ रही है।